अंतिम प्रतिक्रिया, क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में जनता को और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इसमें मेरी तरफ से एक बात एक और कहना चाहता हूँ कि एक तो इस मामले में हमारा जो कानून है वो बहुत ही ज्यादा लचीला है। जैसे एक डिपॉजिट पैसा जमा करने वाली कंपनियों के पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, एक नियम कानून एक एक्ट बना हुआ है, उस तरह से ये एमएलएम कंपनियों के लिए आज के देश में कोई भी कानून लागू नहीं है। हम जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े वादे जनता में कर रहा है, उन वादों को करने से पहले उस व्यक्ति को के ऊपर कुछ नियम शर्तें लागू होनी चाहिए, उसको अपनी बाजार में अपने आप को सिद्ध करना चाहिए, कुछ डिपॉजिट्स बैंक में रखनी चाहिए, तभी वो इतने बड़े वादे करे ताकि लोग यदि उन वादों पे अमल कर भी रहे हों तो उनको कुछ सिक्योरिटी मिले। इस तरह का कोई भी कानून आज की डेट में देश में नहीं है। पुराने कानून जो थे वो कंपनियों के साथ खत्म हो गए, लॉटरीज खत्म हो गई, चिटफंड खत्म हो गई, लेकिन ये एमएलएम एक नया रूप आया है। लेकिन बदलते हुए सरोकार के साथ सरकार को भी इसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए। कुछ बातें हमने राजस्थान में सुनी है बट अभी कोई चीज सामने नहीं आई है। जी, जहां तक लोगों की बात है, हम लोगों से कहेंगे कि वो सावधान रहें, उनको ध्यान रखना चाहिए।